राजस्थान में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। राजस्थान में टैंकर्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलिजुमैब इसकी भी किल्लत चल रही थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले तीन मंत्रियों को जो राज्य सरकार के, उनको दिल्ली भेजा। भारत सरकार के जो लोग इस काम को देख रहे हैं उन मंत्रियों के पास वो टीम दिल्ली भी गई और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, नितिन गडकरी जी से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से, फार्मा मिनिस्टर साहब से, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मुलाकात की और राज्य की तकलीफ उन लोगों के सामने रखी कि हमें 615 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब और टैंकर, इस तमाम आवश्यकताओं के बारे में उनको जानकारी थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रधानमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बराबर बात कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी से बात करने का काम, चाहे चिकित्सा सचिव जो है भारत सरकार के उनसे बात करने का काम, एक निरंतर प्रक्रिया है। उसके बावजूद भी राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत तो चली रही है। तो वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग की, क्योंकि 615 एमटी ऑक्सीजन की आवश्यकता के अगेंस्ट भारत सरकार हमको 270 मैट्रिक टन दे रही है और वो भी 100 मैट्रिक टन आईएमएक्स भिवाड़ी, 70 मैट्रिक टन जामनगर से, 40 मैट्रिक टन करीब 1400 किलोमीटर दूर है यहां से बुरहानपुर, और 60 मैट्रिक टन कलीमनगर से, जहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लाने में कम 10 दिन लग जाते हैं। हालांकि हमारे अधिकारी रेलवे से और एयरफोर्स के अधिकारियों से बराबर संपर्क में है कि किसी तरह से इनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट करके यहां लाएं, लेकिन स्थितियां तो बहुत विकट है। ऐसी परिस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले राज्य में 50,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अवेलेबिलिटी, उसके साथ ऑक्सीजन जनरेशन के नए प्लांट लगाने की, जिसमें यूडीएस डिपार्टमेंट ने पहल की और राज्य में 59 जगह 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के कुल उत्पादन के प्लांट लगाने का निश्चय किया जो 1-2 महीने में लग जाएंगे। उसके अलावा भी कई छूट के साथ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। सरकार एक तरफ ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगाने के लिए प्रयासरत है, दूसरी ओर यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रिक्वायरमेंट के लिए तो एक अधिकारियों की टीम बनाई गई, जिसमें सुबोध अग्रवाल जी जो हमारे ACS हैं, टीना डाबी जी हैं, प्रीतम बी एस पंत, इनकी कमेटी बनी है और ये निरंतर प्रयास कर रहे थे कि चीन से, रूस से, दुबई से या भारत में जो निर्माण कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का, उन लोगों से इन्होंने बराबर चर्चा की और ये प्रयास है कि आने वाले 15-20 दिनों में अधिकांश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजस्थान में आ जाए। तो रूस से जो हमने खरीदने की एग्रीमेंट किया, पहला खेप आज 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जयपुर पहुंच रहा है और जो 1250 आने हैं टोटल, बचे हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी एक सप्ताह में आ जाएंगे, इसका हमको उन्होंने भरोसा दिलाया। हमें उम्मीद है कि मई के महीने में ये जो 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रिक्योरमेंट का टास्क दिया गया है, ये अधिकांश टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। तो ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहा प्रदेश, उसको थोड़ी राहत मिलेगी इससे।